नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। ले चलते हैं आपको चमोली की ओर। प्राचीन काल से ही प्रकृति के रूप में मौजूद संगीत के असीम स्रोत ने लोकगीत, लोक संगीत व लोक परंपराओं को जन्म दिया। किसी भी संस्कृति के लिए संगीत जरूरी होता है। उत्तराखंड में लोक गायन के अनुरूप लोगों ने अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बनाए हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से पहचान मिली है। इन्हीं वाद्य यंत्रों में से एक यंत्र है स्कॉटलैंड का मशकबीन, जो एक विदेशी वाद्य यंत्र है। आज मशकबीन एक प्रमुख लोक वाद्य की जगह ले चुका है। चमोली से सोनू नियाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। से बचपन से बजाते हैं और बजा के आए हैं। हमारा बचपन से यही काम था और अब बैंड वाले को बुला रहे हैं, मशक बीन वाले को नहीं बुला रहे हैं। निवेदन करके करते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ जो ना सोचे सरकार। हमारा रोजगारी यही था और हम कोई नहीं पूछते हैं, हम भूख मरने के कगार में आ गए। बजाता हूँ और अब तो सब सारे बरात में जब से ये बैंड वाले हो गए तब से वही आ रहे हैं। हमको कोई नहीं पूछता है, हमारा रोटी रोजगार यही है और हम ये रोजगार हमारा बंद हो गया है और हम भूख मरने के कगार में आ गए। हमारे लिए कोई ना सरकार के तरफ से है ना हमारे इसके तरफ से है, कुछ समस्या ठीक नहीं है। हाँ, ये मशकबीन जो है हमारा, हम अपने बाप दादा के समय से बजा के आ रहे हैं। आज हमको कोई नहीं पूछ रहे हैं, सब बैंड ला रहे हैं, हमको कोई नहीं पूछ रहे हैं।